नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका यहां जताई है। चक्रवाती तूफान यास के दोपहर तक ओडिशा तट से टकराने का अनुमान भी है। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा की गति के साथ में धामरा और बालासोर के बीच में ओडिशा तट को पार करेगा। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान ओडिशा में एंट्री करेगा, जिसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 8 राज्यों पर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के पारादीप से 120 किलोमीटर और साथ ही बालासोर से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यास तूफान से कई राज्यों में नुकसान ना हो, उसको लेकर सेना तैनात कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कहा गया है कि कोविड के प्रकोप में अप्रत्याशित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग बढ़ी है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यबल वर्तमान में महामारी को नियंत्रित करने से संबंधित गतिविधियों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने और साथ ही गैर संक्रामक रोगों के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर बच्चों के भविष्य बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। पाठक ने कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी स्कूलों के बच्चों को किताबें नहीं दे रही है। पाठक के मुताबिक भाजपा शासित एमसीडी के 1625 स्कूलों में 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी इन बच्चों को उनकी किताबें नहीं मिली। पाठक की ओर से कहा गया कि जो किताबें अप्रैल में मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, उसका अभी तक टेंडर नहीं किया गया, खरीदारी नहीं हुई है। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीकाकरण बुलेटिन जारी किया। आतिशी ने बताया है कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों और महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए ही यहां पर दिल्ली के पास में कोवैक्सीन की डोज पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जिसकी वजह से इनके सेंटर्स फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण दूसरी डोज लगवाने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आतिशी की ओर से कहा गया कि यह काफी चिंताजनक स्थिति है, केंद्र सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कोविड 19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा गोवा सरकार ने तैयार कर लिया। साथ ही बाल रोग विशेषज्ञों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए यहां पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। सावंत ने कहा है कि ये प्रशिक्षण 5 से 10 जून के बीच में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के आम एसओपी यहां पर तैयार की गई है। साउथ दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र स्थित दक्षिणपुरी इलाके में लगातार बीते 2 दिन से पीने के पानी का पाइपलाइन यहां पर
टूटा हुआ है। लाखों लीटर पीने का पानी सड़क पर बहकर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, जिससे कि देवली विधानसभा क्षेत्र समेत और भी आसपास के इलाकों में पानी की परेशानी से लोगों को अब जूझना पड़ रहा है। लोगों के घरों में इस लीकेज की वजह से अब दो बूंद पानी भी नहीं पहुंच रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी यहां की सुध लेने के लिए तैयार नहीं। संगम विहार देवली विधानसभा के अंदर, मैं बाहर की पूरी दिल्ली की बात नहीं करी, जिस विधानसभा के अंदर ये तीन दिन हो गए, आज तीन दिन से ये पानी जो बर्बाद हो रहा है, लाखों लीटर पानी यहाँ पे बर्बाद हो चुका है और नाले में बर्बाद हो चुका है, बह चुका है, पीने का पानी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और ये ऑफिस, विधायक के ऑफिस के बगल में ये काम हो रहा है और विधायक भी कई बार निकलते हैं यहाँ पे, उनके कार्यकर्ता भी निकलते हैं और जलबोर्ड के लोगों को भी सूचना है कि पानी बर्बाद जा रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। और संगम विहार के अंदर आपने खुद, आपके चैनल ने कई बार रिपोर्टिंग की है, संगम विहार में एक टैंकर के लिए हज़ारों लोग बाल्टियाँ लेके खड़े रहते हैं। उन लोगों से पूछो इस बर्बाद पानी की कीमत, जिनके घरों में पीने का पानी भी पूरे महीनों तक उन लोगों को बचा के रखना पड़ता है, छान छान के उस पानी को पीने के लिए मजबूर है आज, और आज दिल्ली सरकार के विधायक के बगल में ये पानी। भवानी खेड़ा के तिगड़ाना गांव के पास में खेतों में नौकर द्वारा मालिक की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 22 साल के युवक को उसके खेत में उसी के नौकर ने तेज धार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मोहित की हत्या अंकित ने क्यों की, इसका राज किसी को नहीं पता है। मौके पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ पहुंचे हैं और मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बाबा रामदेव ने बयान देकर उनका अपमान किया है। इसको लेकर एम्स के बाहर में सैकड़ों डॉक्टर्स ने हाथों में पोस्टर और पैम्पलेट लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एम्स के गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स ने कहा, बाबा रामदेव का बयान बेहद निंदनीय है, उन्होंने कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया। वहीं पर डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों को बेचने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बाबा रामदेव माफी मांगे, वरना ये प्रदर्शन लगातार और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। रामदेव पिछले तीन चार दिन से हमारे जो एम्स, हमारे जो देश के डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ निरंतर बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो उन्होंने जो बयान दिया है, जिसमें ये कहा गया कि जो 1200 डॉक्टर्स देश के जो मरे हैं, जो उन्होंने बोला, जो कि शहीद माने जाते हैं, उनको बोला कि 1200 डॉक्टर्स जो मरे हैं वो खुद को नहीं बचा पाए तो देश की जनता को क्या बचाएंगे। ये बहुत ही एक इनसेंसिटिव सा बयान है। अगर हम देश की बात करें तो पिछले 1.25 साल से, जब से कोविड आया है देश में, हमारे डॉक्टर्स दिन रात अस्पतालों में रहते हैं, कोविड आईसीयूज़ में ड्यूटी कर रहे हैं, वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं, अपने परिवारों को पीछे छोड़ के अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और लोगों ने जान तक दे दी है। अपने 1200 डॉक्टर्स लगभग देश के शहीद हो गए हैं। उनके प्रति इस तरीके का शब्द कहना बाबा रामदेव बहुत ही गलत है। और बाबा रामदेव पिछले तीन चार दिन से अलवर के बहरोड से थाना प्रभारी की अनूठी पहल मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान की शुरुआत प्रदेश में आई नई बीमारी ब्लैक व्हाइट और येलो फंगस से आमजन को बचाने और जागरूक करने के लिए की गई है। वहीं पर राजकीय भीमराज उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में कमेटी सदस्य, वार्ड पंच, साथ ही आंगनबाड़ी की आशा सहयोगियों को यहाँ पर कोरोना संकट से बचने और बचाने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। ने शुभारंभ किया है, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, ग्राम पंचायत बड़ोद के तत्वाधान में आज यहाँ स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम रखा था मेरा गांव में, जिसके तहत यहाँ ग्राम पंचायत के सभी वार्ड पंच, जनप्रतिनिधि और गांव के मौजूद लोग उपस्थित थे। स्कूल प्रशासन खुद भी, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, खुद प्रिंसिपल महोदय, PO मैडम, साथ ही साथ डॉक्टर्स ये भी उपस्थित थे, जिन्होंने आम जन को उनके साथ में रहते हुए कि समझाइश की कि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहे,
मास्क लगा कर रहे, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, साथ ही साथ कम से कम घर। जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना आपदा के तहत मेवाड़ा सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करी है। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूर्व तैयारी करते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही टीकाराम जूली ने चिकित्सा व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सहरिया बहुल क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में कुपोषित बच्चों को मॉनिटरिंग के लिए महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग को यहां पर संयुक्त सर्वे के लिए भी निर्देशित किया। भरतपुर में नंदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांसद के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन गुप्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर अब विवाद हो गया है। सांसद से गुप्ता की बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद में विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में चिकित्सक को बताया गया है कि उनके द्वारा सांसद को कोरोना आंकड़ों को लेकर दिए गए बयान से प्रदेश सरकार की छवि काफी धूमिल हुई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सक डॉक्टर पवन गुप्ता को एपीओ करते हुए उनकी ड्यूटी राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थित कोविड केयर सेंटर में लगा दी है। इसकी जानकारी मिलने पर सांसद रंजीता कोली भी नाराज दिखी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन गुप्ता को सच बोलने और प्रदेश सरकार की बद इंतजामी सामने लाने पर कार्यवाही किया जाना सरासर गलत है। इस पर प्रभारी मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं कि कोरोना के आंकड़ों को छुपाया जाए। सरकार की ओर से इस प्रकार के कोई भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिए गए हैं। आपके माध्यम से भरतपुर नहीं पूरे राजस्थान की पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री का की मंशा कतई किसी बात को जनता से छिपाने की, बल्कि हम तो इस बात के पक्ष रख, सच्चाई अगर जनता के सामने आती है तो उसके कोई समस्या हो उसको उसके समाधान में हमको मदद मिलती है। सरकार की तरफ से कोई निर्देश ऐसे नहीं है कि जांच कम करी जाए। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से अधिक से अधिक जांच करना ये सरकार का लक्ष्य है। अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना ये सरकार का ध्येय है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कोरोना के कोराम के बीच में सबसे बड़ी आफत ऑक्सीजन की कमी थी। कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होते के साथ ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत महसूस की गई। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में हाहाकार मच गया, लेकिन अब तीसरी लहर को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जैसलमेर जिला कलेक्टर की पहल पर जिले को एक और ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली है। ऑक्सीजन को लेकर अब जैसलमेर राजकीय चिकित्सालय में कोई कमी नहीं होगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की दूरगामी सोच के चलते एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। एक चीज बहुत क्लियरली निकल करके आई थी सेकेंड वेव में कि ऑक्सीजन जो हवा में उपलब्ध है, जो हर जगह उपलब्ध है, वो ही सबसे ज्यादा रेयर रिसोर्स है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट मैनेजमेंट में समस्या आ रही थी, न केवल राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में समस्या आ रही थी। राजस्थान में तो फिर भी वी वर क्वाइट कंफर्टेबल। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मगर इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो 21% होता है, उसको हम और ज़्यादा प्योरीफाई करके 90-96% जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑक्सीजन है, उस लेवल तक इसको प्योरीफाई करें और अस्पताल में प्रोवाइड। प्रतापगढ़ के धरियावाद में बोरिया पेट्रोल पंप पर पंप कर्मचारी के साथ में मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी लक्ष्मण सिंह को 500 रुपये लक्ष्मण सिंह से मांगे। ऐसे में पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में पेट्रोल पंप मैनेजर ने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर सूचना दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी।
बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के खत्रियों के वास स्थित सदियों पुराने चारभुजा ठाकुर जी महाराज मंदिर परिसर में नरसिंह चौदस पर्व मनाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही विधि विधान के साथ आरती संपन्न हुई। वहीं पर उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान का प्रसाद वितरित किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।